7 में कि फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू ऑफ एन फॉर विच दिस इज रियल नंबर। ये रियल नंबर हो जाए ताकि एन का किस वैल्यू के लिए, एन के कौन से स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर के लिए ये जो होगा रियल नंबर होगा। चलिए देखते हैं, दिया है 1 + iota का पावर n बाई में 1 - iota का पावर n - 2। एक काम करते हैं, यहाँ 1 + iota का पावर n बाई में 1 - iota का पावर n और डिवाइड 1 - iota का स्क्वायर कर सकते हैं। डिवाइड में रहता है तभी ना पावर माइनस में रहता है, ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ देखिए अब क्या करते हैं, इसको एक साथ ले लेते हैं, 1 + iota / 1 - iota का पावर n और यहाँ इंटू में आ जाएगा 1 - iota का स्क्वायर। चलिए अब आगे इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा। अंदर देखिए 1 + iota / 1 - iota है ना जी, मल्टीप्लाई कर देंगे 1 + iota से न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में, पावर में एन और यहाँ ए माइनस भी क्रॉस कर, 1 का स्क्वायर - 2 × 1 × iota और प्लस में iota का स्क्वायर। चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ऊपर मल्टीप्लाई 1 + iota + iota + iota² और नीचे 1 का स्क्वायर - iota का स्क्वायर और पावर में एन, नीचे यहाँ पे 1 - 2 iota और प्लस का यहाँ -1, यानी कि -1 सीधे लिख देते हैं। चलिए अगले स्टेप में हम लोग यहाँ पर अब नीचे देखते हैं क्या होता है, क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 + 2 iota - 1 बाई में आपका 1 + 1 का पावर n और इंटू में यहाँ 1 से 1 हटा देंगे -2 iota। अब अगले स्टेप में देखते हैं, यहाँ पर देखिए 1 से 1 कट गया, 2 iota / 2 का पावर n और इंटू में -2 iota, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, iota का पावर n इंटू में -2 iota यानी आ जाएगा -2 iota का पावर n + 1। ये ना हो जाएगा तो ये आपका रियल होगा, ये बिलोंग्स टू आर होगा फॉर n इक्वल टू में हो जाएगा क्या, तो 1, 3, 5, 7 ये सब ना होगा, यहाँ पे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा, इंटीजर क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 ही ना होगा जी, समझ गए, क्योंकि 1 रखेंगे तो 1 - 1 - 2 iota करके वैल्यू -1 यानी प्लस का 2 आ जाएगा, तो रियल ही ना हो जाएगा जी। क्वेश्चन